गाइस वेलकम टू माय चैनल सी व्लॉग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे। अभी मैं, खालिद, मामू, इरफान, हसन, उबैद, हम जा रहे हैं यहाँ आगे तक परनोत वाली साइड, मानो तुम हमारे घर से थोड़ा आगे। दरअसल अभी जाने का कोई प्लान नहीं था, पर खालिद मामू ने बोला कि घूमने चलते हैं, तो मैंने बोला क्यों नहीं। सबसे बेस्ट और नज़दीक जो प्लेस है हमारे यहाँ पड़ती है आगे, तो मैंने बोला चलो चक्कर लगा के आते हैं। सब अपने बच्चों को भी लाया, चलो घूम के आते हैं। शाम का वक्त है, अभी धूप भी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए हम आए और घूमने जा रहे हैं। कुछ ऐसा व्यू है, तो आपको दिखा दीजिए। बैटरी ओप्रो की डेड हुआ ही है, कम गई हो, ख़त्म हुआ ही है, तो जहाँ तक चलेगा देगा साथ ओप्रो, तो हम भी ले जाएंगे आप। फिलहाल तो चलते हैं। इस रोड पे कर्व्स बहुत हैं, मोड़ बहुत हैं, तो संभल के चलना पड़ता है। ड्राइव जो करनी होती है, बाइक या गाड़ी जो भी कार, ड्राइव संभल के करनी होती है, वरना कुछ भी हादसा हो सकता है। अभी आसमान बहुत अच्छा लग रहा है, आसमान का रंग जो है वो चतरंगी सा है, बहुत ही खूबसूरत रंग अभी जोड़ा है आसमान ने, बहुत ही खूबसूरत। हमने अच्छा किया और मौसम भी अच्छा है इस साइड, थोड़ा जंगल साइड है इधर, पता नहीं जगह का नाम क्या है, पर जो भी है बहुत अच्छा है, जगह बहुत अच्छी है, रोड बहुत अच्छा है, खूबसूरत व्यू है। मतलब जाने का देखिए, दोनों साइड पेड़ है, बीच में से रोड, इतना खूबसूरत, मज़ा आ रहा है ड्राइव करने में भी और बैठने में भी। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बैटरी डेड हो रही है यार, GoPro की बैटरी 10% बची है, पर जहाँ तक चलेगी चलाएंगे और उसके बाद देखते हैं। लोकेशन पे यहाँ कुछ ऐसा है, ब्यूटीफुल प्लेस। ये बच्चे हैं, बताओ मज़ा आ रहा है, नहीं सच बताना। खालिद मामू है, इरफान है, तो वो पार हाईवे है, पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं, रोड भी अच्छा है। ये गूल संगलदान का रोड है, जहाँ गूल जाता है रोड, यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर्स है यहाँ से गूल गया था। इनको देखो ये मोड़ पे, नहीं अच्छा कर रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं मोड़ पे, उन्हें लाया है ये कुछ मिक्सचर विक्चर खाएंगे अभी, मज़ा आ रहा है सच बताओ। खालिद मामू कैसा लगा इधर, खालिद इधर कैसा लगा सच बताना। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ, नहीं मज़ा है ना, बिल्कुल मज़ा। मौसम कैसा है इधर का, मौसम बहुत बढ़िया है। कानपुर अच्छा। में ऐसा नहीं, गर्मी बहुत होती है वहाँ पे। कानपुर में तो गर्मी बहुत होती है, यहाँ बहुत मौसम ठंडा, यहाँ मौसम कभी गर्म कभी ठंडा है ना, यही मिक्स यहाँ की तो है ना, पहाड़ी है ना इलाका, तो यहाँ पे जब गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, यानी कि 40-42 तो जाता ही है टेम्परेचर, पर जब सर्दी होती है तो नॉर्मल उतनी नहीं होती है, पर यू नो ठीक होती है। यहाँ से देखिए कितना अच्छा है, पर डेंजर भी है, खतरा, अगर इधर से कोई गिर गया तो बचने के चांसेस कम है। तो ये देखो टेढ़ा मेढ़ा लेके कैसा है, तो स्क्रीन टेस्ट करो, नहीं तो बस अब करेंगे थोड़ी देर एंजॉय, फिर चलेंगे। अभी अंधेरा भी होने को है, देखिए आसमान का कलर कितना कैसा हो गया है, देखिए चलेंगे हम घर, क्योंकि अंधेरा भी होने को है, अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचना है। मेरे को फ़ोन आ रहा है, हेलो, अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम सलाम, चल रहे जा रहे, इरफान खालिद मामू जा रहे और बच्चे बैठ गए आगे, होप यहाँ तक देखा एंजॉय किया होगा, आई होप सो, गारंटी नहीं दे सकता पर आई होप सो। कुछ भी को खूबसूरत तो है जगह, यहाँ देखिए ये कुछ बोर्ड लगा हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं क्या क्या लिखा है इसमें, इतना खूबसूरत है व्यू एवरीथिंग। यहाँ से बड़े बड़े बहुत बड़े डंपर्स आते हैं, थे हम आगे तक थोड़ी देर बैठे, फिर आगे वापस अब आप यहाँ से एंजॉय करें ज़रा व्यू। यहाँ पे लिखा है बोर्ड, डोंट स्टे अलाइव, डोंट ड्राइव एंड ड्रिंक, सो प्रिकॉशंस है, और सही भी है, अदर इसमें कुछ नहीं है। अच्छा रामबन यहाँ से 8 किलोमीटर है, अभी हम 8 किलोमीटर ड्राइव करके आए थे हम परनोत से वापस, उसके बाद मुझे यासिर भाई के साथ जाना पड़ा, कुछ काम था, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो अभी जा रहे हैं हम पार रामबन मार्केट, हिशाम की यूनिफॉर्म, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलाने दी थी, वो अभी हम ला रहे हैं, और भी एक दो काम है जो कि निपटाएंगे हम, तो बस आपको भी दिखाते चले, मैं सोचा आपको भी दिखाते चलेंगे। मेरा एक दोस्त आ रहा था श्रीनगर से, अभी वो जाम में फंसा होगा कहीं, आई होप कि पहुँच जाए, जाम ख़त्म हो।
स्कूल रामबन का गेट, मेन गेट, मेन एंट्रेंस ये देखिए अभी बंद है मेन गेट, तो छोटा गेट खुला रखा है, अंदर बच्चे हैं जो वो क्रिकेट खेलते हैं। या इरफान बोल रहा है मैं रोज़ यहाँ आता हूँ, मैं क्या आइस कैंट्री देखूँगा, पर मेरे व्यूवर्स कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं मालूम है, और मेरी ऑडियंस जो है ना वो प्योर ऑडियंस है, 100-150-200 व्यूज़ देखते हैं, पर डेली देखेंगे या जो भी मेरे व्लॉग्स देखते हैं, बहुत प्यार है तुमसे, सच्ची में सच्ची बता रहा हूँ। तो ये पहुँचे अभी हम मार्केट में, तो यहाँ यूनिफॉर्म उठाएंगे हम कुछ मार्केट, आज अभी शाम का वक्त है, शाम का होने वाला वक्त है, मार्केट बंद बंद सा ही लग रहा है ज़्यादा। तो ये बर्गर मंगाया है लड़के, अभी दबा के खा रहे चीज़ बर्गर, असल में खाते खाते याद, फिर ने बताया कि टाइम लैप्स लगाओ, तो मुझे याद आया कि वो मैं तो कर गया फिनिश, तो अभी ये खा ही रहे। देखो सामने लिखा है आई लव रामबन रेस्टोरेंट, में अच्छा बोर्ड चढ़ा दिया है, कर दस्ती खत्म से वे ये इतना सारा भी नहीं फिनिश कर पा रहा है, चलेगा खा लेगा, अभी खा लिया फिनिश कर दिया, दूसरे नंबर पे इसी ने खत्म किया, अभी पहले नंबर पे मैंने खत्म किया, दूसरे नंबर पे इसने, खालिद घूम गया, खालिद बता रहे कानपुर में एक फूड कोर्ट ही इस माल से बड़ा है। निकल रहे हम यहाँ रामबन मार्केट से, शाम की यूनिफॉर्म भी ले लिए, तो बस जा रहे हैं घर की ओर। मुख शनाया बुजुर्ग तू यार, मैत्रा चौक में है हम, इरफान और खालिद गए हैं कुछ सामान लाने, तो मैं उबैद और सुहेब यहीं पे थे, इनसे बच के रहना कुत्तों से, नमाज का वक्त भी करीब है, तो बस यहाँ से चलेंगे, बहुत टाइम लिया है ना, टाइम लगा, हम तकरीबन 6 बजे निकले थे, अभी 7:30-8 बजे, 6 नहीं 5:30 बजे, 2 घंटे हो गए हमें बाहर ही, अभी टाइम हो गया कितना, अभी 7:30 बजने को है, तो बस घर पहुंच के व्लॉग की एंडिंग भी करेंगे। अभी मैं टेरिस में आया, यहाँ थोड़ा वॉक कर रहा हूँ, खालिद लगा है बात करने अपने दादी के साथ, यहाँ पे खड़ा है, ये देखिए दादी के साथ बात कर रहा है, तो मैं थोड़ा तब तक टहल लेता हूँ, बस यहीं पे व्लॉग की एंडिंग भी करूँगा, ये थोड़ा नीचे से कैमरा एंगल जो रखा है, फ्लैश बज रहा है मुँह पे, तो पहले गिरने ही वाला था अभी, तो बस यहीं पे व्लॉग की एंडिंग भी करेंगे, तो बस दैट्स इट फॉर टुडे। और एंडिंग कमेंट्स आए थे मुझे कि भाई ये क्या कर रहा है तू, पुअर एंडिंग ब्ला ब्ला, यार मैं यही चाहता हूँ यार आप लोग कॉमेंट्स करें, ताकि मुझे भी पता लगे क्या कमी है, हाँ कहाँ पे रह रहा हूँ मैं, तो कर रहा हूँ मेरे कमेंट्स पर के किया, बता दे आप जो भी लगता है आपको, ओके मैं बुरा नहीं मानता, हाँ गाली गलौज के बगैर, क्या तो ऐसे ही वॉक करते करते एंडिंग भी हो जाए आज, तो उम्मीद है यहाँ तक व्लॉग पसंद आया होगा, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। एक वक्त था मैं ये फ्लाईओवर के बारे में बात कर रहा था कि ये कब तैयार होगा, अभी इसको 1-2 साल लग जाएंगे, आज देखिए आप आज देखिए कैसे फर्राटेदार गाड़ियाँ चल रही है इसके ऊपर से, ये देखिए वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वक्त बदलता रहता है, सो समझना चाहिए वक्त की कदर को, ये देखिए मतलब एक वक्त यही यहीं खड़ा होके मैं मेरे पुराने व्लॉग देख के उठा लो कोई तो कहता था कि अभी इसको 1-2 साल लग जाएंगे एट ऑल, अभी देखिए